पंजाब पर कब्जा कर हर तरह से लूटा। एसीडी चीफ सुखबीर बादल ने राष्ट्रीय पार्टियों को बताया ईस्ट इंडिया कंपनी। पंजाब पॉलिटिक्स। शिरोमणि अकाली दल एसएडी ने प्रधान सुखबीर बादल के राष्ट्रीय दलों को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया। बादल ने कहा कि राष्ट्रीय दल की एक ही मंशा है, पंजाब पर कब्जा कर हर तरह से लूटा जाए, सेवा करने के लिए नहीं आते। आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देश विकास के लिए नहीं आई थी, बल्कि खजाना खाली करने के लिए आई थी। यह राजनीतिक दल भी उसी तरह पंजाब को लूटने के बाद लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाबियों का एकमात्र क्षेत्रीय दल शिरोमणि अकाली दल है जो पंजाब की रक्षा कर सकता है। सुखबीर वीरवार को सियात सिख के नाराज पूर्व मंत्री जगदीश सिंह गर्चा के निवास पर उन्हें मनाने पहुंचे थे। सियात उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी पर सुखबीर सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह तक सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। सुखबीर ने दावा किया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जिन सीटों के उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए वहां दोनों एक साथ लड़ेंगे। उनका कहना है कि पंजाब के बाहर मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेसियों के गले मिलते हैं और पंजाब में उन्हें बुरा भला कहते हैं, जबकि अंदर से दोनों मिले हैं। शराब घोटाले पर भी बोले सुखबीर। सुखबीर ने दावा किया है कि दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला पंजाब में हुआ है और इसके आर्किटेक्ट भी वही हैं जिन्होंने दिल्ली में बनाया था। जिन कंपनियों को दिल्ली में ठेका दिया उन्हें को पंजाब में दिया, वहीं पॉलिसियां यहां लागू की। भगवंत मान भी इस घेरे में फंसेंगे। मान को डर है कि केजरीवाल की तरह उन्हें अंदर न कर दिया जाए। अब हालत यह है कि दिल्ली से जो आदेश आता है उसका अनुपालन करवा देते हैं।